गर्मी है कितनी? बहुत। तो गाइस रात के बज रहे हैं 1 और घर जाने की तैयारी हो रही है। अपना सामान शमान क्रीम वगैरह और जो कपड़े छपड़े हैं वो पैक हो रहे हैं, और छोटे का बैग ये पैक हो गया है जिसमें डायपर वगैरह और उसके कपड़े, और नींद का पता ही नहीं इसको, और ये छोटे सब आराम से सो गए। तो गाइस हम अभी निकल चुके हैं शाहदरा शरीफ के लिए, और छोटा भी साथ में। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा है गाइस, गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। मौसम से तो लग रहा है कि मौसम ठीक है, मगर बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने एसी लगाया हुआ है फुल पे, और अभी मैं जा रहा हूँ साज से। तो ये साज का एरिया है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं थन्ना मंडी के पास। तो देखो आप, ये कितनी ही खूबसूरत जगह है। ये कितनी प्यारी जगह लग रही है। अब रोड बन चुकी है ना पूरी, तो उसकी वजह से अब इसकी खूबसूरती में 4 चांद और लग चुके हैं। थोड़ी सी ही रहेगी ये बनने के लिए, तो मुझे लगता है कुछ महीनों तक हो जाएगी पूरी कंप्लीट। तो फिर रजौरी से शाहदरा का और थाना मंडी का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा, ज़्यादा से 10-15 मिनट का सफ़र हो जाएगा। तो गाइस शाहदरा शरीफ की रोड का भी बहुत बुरा हाल कर दिया है। मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडा ठंडा, और पहुंच चुके हैं हम शाहदरा शरीफ। तो पहुंच चुके हैं हम ज़ियारत के पास, और गाड़ी मैंने लगा दी है पार्किंग में, और अब जा रहे हैं ज़ियारत में। गाइस ज़ियारत पे पहुंच चुके हैं हम, और साथ में है आतिफ भाई और छोटा और नौरीन उधर है। और यहाँ पे हमने दवा मांगी और उसके बाद निकल गए। यह है ज़ियारत के नीचे जो मार्केट है, जहाँ से सामान वगैरह लोग लेते हैं। तो ये आ गई हमारी ज़ियारत शाहदरा शरीफ की। आज भी काफ़ी ज़्यादा रश है, और ये जो पेड़ है संतरे का, इसके नीचे लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि किस्मत से अगर हुआ तो गिरेगा। उसके बाद हम आगे खाना खाने के लिए, तो खाना हमें मिल गया। जब मैं हाथ धोने आया मुझे ये कैट मिली, तो अब मैं जाता हूँ ब्राक को लेके आता हूँ। तुझे पसंद है? कैट गर्मी इतनी ज़्यादा क्या? मैंने नहीं की। छोटे को यहाँ से खाक खिलाएंगे। नहीं खाता? नहीं खाता? नहीं खाता? ये थोड़ी सी खा ले। कैसी है? इधर देख, फिर देख, कैसी है? टेस्टी है? टेस्टी है? अच्छी है? अच्छी है। जा रहे हैं गाइस पार्क वाली तरफ, तो कुछ ऐसा रास्ता है। ये रास्ता है पार्क का। यहाँ आते ही छोटे को एक फ्रेंड मिल गई, उसकी छोटी सी, जिसके साथ अब खेल रहा है वो। एक दूसरे को ये कुछ दे रहे हैं, घास निकाल के दे रहे हैं।
तो गाइस गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, अब छोटा भी घूम रहा है मेरे साथ हवा की तलाश में, हवा मिल नहीं रही, और ये भाई इधर बैठे हुए हैं ये भी हवा की तलाश में है। तो एक हमारे भाई वो है झूम रहे, दुखी हैं, दुखी रहने दो। क्या गर्मी है? कितनी? बहुत ज़्यादा। देखा बोल रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी है। अबे काम स्टार्ट है, ये देखिए तोड़े करने बिल्डिंग बन सी, यहाँ पे तो ही बिल्डिंग बनेगी, यही बनेगा लंगर। तो अब हम जा रहे हैं वापस, अब हम जाएंगे नीचे ताऊ के घर, तो उधर से फिर देखते हैं किस टाइम आते हैं वापस। आए थे नीचे ताऊ के घर और बारिश लग गई, देखो उनको तो मैंने छाता दे दिया, अब खुद मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अभी जा रहा हूँ बस स्टैंड क्योंकि नूर के मामा आए हुए इसको मिलने के लिए, तो उससे मिलके शायद या तो जाएगी घर मामा के साथ या फिर आ जाएगी वापस। ये देखो रास्ता कुछ ऐसा है, छोटे ने पकड़ा हुआ है छाते को, आए थे हम ज़ियारत पे मगर प्लान बन गया नीचे भी होके जाते हैं, काफ़ी टाइम से ताऊ के घर नहीं आए थे तो इसलिए हम यहाँ पे भी आ गए। पहले तो बहुत गर्मी थी, अब मौसम ठंडा हो गया, बारिश हो रही है अच्छी, देखो कितनी हाइट पे हम। तो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठे हैं वापस जाने के लिए, बारिश ही बहुत ज़्यादा तो उस वजह से काफ़ी लेट हो गया हम, सो अब हम चले हैं गाइस। गाइस हम निकल चुके हैं घर के लिए, तो अभी शायद शिव से हम निकले, तो इधर रोड की काफ़ी बुरी हालत कर दी है मशीनों ने, ये साइड पे कुछ डाल रहे हैं तारें वगैरह, तो उस वजह से पूरी रोड ही ख़राब करके रखी हुई है इन्होंने। तो गाइस ये चेक करो मैंने जो लाइटें लगाई हुई है, तो बारिश के बाद देखो कितना ही प्यारा मौसम हो गया। ये साज का एरिया है, कितना ही खूबसूरत लग रहा है। 15 अगस्त आ रही है तो ये द्राली ब्रिज पे जो लाइटें लगाई हुई हैं देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर के पास, तो अब अंदर गाड़ी लगा के मैं उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अभी घर पहुँचा हूँ और फटाफट से मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो पंखे के नीचे हवा लगा रहा हूँ थोड़ा ठंडा हो जाऊँ, उसके बाद नहाऊँगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी आज। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। नहीं घर नहीं गई तू? क्यों नहीं गई? कर गया है? हम सब ने कपड़े चेंज कर लिए मगर इसने अभी वही कपड़े लगा के रखे।